कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। आप पहले पिछले भाग में पाठ पात्र पढ़ चुके हैं और पाठ आठ की बारी है कन्यादान शीर्षक काव्य है जो ऋतुराज जी द्वारा रचित है। तो आप संक्षिप्त रचनाकार परिचय को भी पाठ्य पुस्तक से प्राप्त करके उसको याद करेंगे और प्रत्येक पाठ के खेल के पहले जैसे कि पहले बता चुका हूँ संक्षिप्त रचनाकार परिचय को प्रस्तुत करते हुए लिखते हुए उसके बाद ही व्यास प्रश्नोत्तर लिखेंगे। चलिए तो अभी है कन्यादान शीर्षक काव्य पाठ। अब इसके बाद मात्र दो पाठ ही बचेगा आपके पास, एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और दूसरा संगत का। काव्य पाठ में मात्र दो ही बचेगा इसके बाद। चलिए तो प्रस्तुत करता हूं ऋतुराज जी कन्यादान शीर्षक जो काव्य दिए हैं, कन्यादान शीर्षक जो दिए हैं इस काव्य का, यह बड़ा ही प्रमाणिक है अपने आप में। शीर्षक है, शीर्षक के बारे में भी जान लीजिए कि संक्षिप्त शीर्षक, संक्षिप्त शब्द में एक शब्द या दो शब्द, मतलब कम से कम शब्द में जो शीर्षक होता है वो ज्यादा प्रमाणिक, ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है, उससे भी ज्यादा अनिवार्य माना जाता है शीर्षक में कि शब्द, या आवश्यक नहीं कि एक ही शब्द में हम शीर्षक दें हमेशा। कभी कभी यह व्यवस्था बन जाती है कि चार चार शब्दों का शीर्षक हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि प्राथमिकता देनी है शीर्षक में कि वह कहानी का या काव्य का जिसका भी शीर्षक है उसका केंद्रीय भाग बन रहा है कि नहीं, उसका काव्य धारा का या फिर कहानी की धारा का उसका जो उद्देश्य है, उसका जो भाव व्यक्त किया गया है उसका केंद्रीय भाव है कि नहीं, उस पर कहानी या काव्य का संवहन होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से इसमें देखा जा रहा है कि पूर्ण रूप से एक लड़की, एक कन्या को जब उसकी माँ दान में देती है एक चयनित वर को, तब दान में देते वक्त उसे जो दुख होता है या फिर उसे जो उससे छीनती उसकी ये पूंजी दिखती है, वह उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दिखती है, वह जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम पूंजी दिखती है। और कैसे क्या महसूस होता है एक लड़की की माँ को, उसका प्रस्तुतिकरण पहले अनुच्छेद में है। उसके बाद लड़की की माँ, कन्या की माँ अपनी लड़की को दान करने के बाद ससुराल जाते वक्त क्या कुछ शिक्षाएं देती हैं, इसका भी वर्णन है अगले अनुच्छेद में। तो आइए, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, पहली पंक्ति है कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, मतलब अपनी लड़की को दान में देते वक्त बिल्कुल प्रमाणिक था उसका दुख। किसका दुख? तो लड़की की माँ का दुख। एक लड़की को दान में देते वक्त लड़की की माँ का जो दुख था वह बहुत ही प्रमाणिक था, पूर्ण रूप से स्पष्ट था, प्रमाणिक था। तो कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की की माँ का जो दुख था उसके दुख से उसके चेहरे पर उभरी हुई जो दुख की चिंताएं थी, जो दुख था और जो उसकी चिंताएं थी वह साफ साफ बयां कर रही थी कि अब जो भी जीवन की सबसे गाढ़ी कमाई और सबसे बड़ी पूंजी थी और सहारा थी वो आज मुझसे छीन रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूसरे का हो रही है, अब मुझसे वह छीन रही है। तो कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। एक लड़की की माँ को अपनी लड़की को दान में देते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने जीवन की
अंतिम पूंजी को, सबसे बड़ी पूंजी को दान में दे दी हो, है ना, हमेशा हमेशा के लिए उसका अब उससे उस पूंजी से अलगाव हो रहा है ना, तो उस पर अधिकार नहीं रहा, मतलब वह अधिकार उसके अधिकार क्षेत्र से निकलकर दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जा रही है हमेशा के लिए। बस अगले अनुच्छेद में है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अब लड़की की माँ की चिंता है, लड़की की माँ की चिंता है लड़की के बारे में कि मेरी लड़की अभी भोली भाली थी, काफी भोली भाली और सरल स्वभाव की थी, वह दुनिया के ताने बुने को नहीं जानती थी, वह प्रपंचों को नहीं जानती थी, तो अभी तक संसारी के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत कुछ मेरी लड़की को ज्ञान नहीं था, तो लड़की अभी स्वयानी नहीं थी, यानी लड़की अभी बुद्धिमती नहीं थी, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, वह कैसी थी, तो काफी भोली और सरल थी, तो लड़की अभी स्वयानी नहीं थी, यानी लड़की परिपक्व नहीं थी, संसारी के जीवन जीने का पूर्ण रूप से उसे ज्ञान नहीं था, वो तो अभी इतनी भोली सरल थी, वह अभी इतनी भोली भाली और सीधी सादी थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख का आभास होता था, सुख को समझने आता था, जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी गुब्बारे को देख करके खिलखिला जाते हैं, खिलौने को देख कर खिलखिला जाते हैं, है ना, और खुश हो जाते हैं, तो इस प्रकार से उसे भी सुख का आभास तो होता था। फिर आइए एक बार पढ़ते हैं, लड़की अभी स्वयानी नहीं थी, यानी पूर्णतः बुद्धिमती नहीं थी, परिपक्व नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, यानी इतनी भोली भाली और सीधी सादी थी कि उसे सुख का आभास तो हो जाता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, बांचने का मतलब है व्यक्त करना, प्रकट करना, तो सुख का आभास तो कर लेती थी, सुख को महसूस कर लेती थी, लेकिन दुख को व्यक्त करने नहीं आता था, दुख को समझने नहीं आता था कि दुख की घड़ी जो है या इस वक्त हमें कैसे संभल कर आगे बढ़ना है, कैसे इससे बचना है, अपने आप को बचाना है और कैसे इससे रास्ता निकाल कर आगे के जीवन को जीना है और कितना इसे व्यक्त करना है, किस रूप में व्यक्त करना है, तो यह बांचने नहीं आता था, यह व्यक्त करने नहीं आता था, प्रकट करने नहीं आता था अपने दुख को, पाठिका थी तो यह तो बिल्कुल उस पाठिका के समान थी, कैसी पाठिका, जो छोटी बच्ची पढ़ती है कैसी पाठिका, तो बिल्कुल यह पाठिका थी, वह धुंधले प्रकाश की, एक धुंधले प्रकाश में दिए की चिमचिमाती रोशनी में, है ना, कम प्रकाश में, धुंधले प्रकाश में, जैसे छोटी बच्ची पढ़ लिया करती है, जिन किन प्रकारें जिस किसी तरह से एक छोटी बच्ची धुंधले प्रकाश में भी एक दो हरफ वाले शब्दों को पढ़ लिया करती हैं, अपने छोटे पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया करती हैं, ठीक उसी प्रकार से, तो ये भी जीवन के बहुत रहस्यों को नहीं जानती थी, बहुत उधेड़पुन को नहीं जानती थी, प्रपंचों को नहीं जानती थी, कब कैसे बचना है, कब कैसे बोलना है, कब कैसे रहना है, तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ टूकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, मामूली यह है, यह बहुत बूढ़े काव्य पाठ को पढ़ने वाली नहीं थी, यह छायावादी कविताओं को पढ़ने की परख क्षमता नहीं रखती थी, बल्कि यह तो एक सामान्य कुछ तुक्के कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ लेने वाली एक धुंधले प्रकाश में पढ़ लेने वाली एक पाठिका मात्र थी, तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, धुंधले से प्रकाश में वह नौसिखिया पाठिका के समान, मामूली तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ लेने वाली पाठिका के समान थी। फिर आगे अपनी लड़की को माँ ने नसीहत दिया ससुराल जाते वक्त,
और नसीहत देकर कहती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर रिझना, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। माँ अपनी बच्ची को, अपनी लाडली को, अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को यह शिक्षा देती है कि बेटी पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझ जाना, मग्न मत हो जाना, विभोर मत हो जाना, बहुत खुश मत हो जाना। यानी पानी की परछाई में अगर तुम सुंदर लगने लग जाओ तो ऐसा मत समझ लेना कि बस यही जीवन का मूल रहस्य है, यही जीवन का परम आनंद है। नहीं, जीवन इसी से पूरा नहीं होने वाला। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, खुश मत हो जाना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इतना हमेशा ख्याल रखना बेटी कि आग रोटियां सेकने के लिए है, आग की महती आवश्यकता रोटी सेकने के लिए है, यानी भोजन पकाने के लिए है, आवश्यक कार्य करने के लिए है, न कि जल जाने के लिए। आग का आविष्कार खुद को जलाकर मार डालने के लिए नहीं हुआ। तो बेटी हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि चाहे जीवन में तो विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं, कोई ऐसा जीवन नहीं जिसमें विपरीत परिस्थिति की कोई घड़ी नहीं आई, ऐसा संभव ही नहीं। तो विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती ही रहती हैं। तो जब विपरीत परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, तो उस वक्त अधीर मत हो जाना, बहुत घबरा मत जाना, धैर्यवान बने रहना। तो ऐसा ना हो कि तुम अधीर होकर के जिस आग से रोटी सेकने का कार्य किया जाता है उस आग से जलने का निर्णय न ले लेना। ऐसी भूल मत करना बेटी, यह जान लो कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और फिर आगे एक और बात मैं बता दूं कि प्रायः स्त्रियां वस्त्रों और आभूषणों के चक्कर में पड़ करके अपने ऊपर होने वाले सारे सितम को सहती रहती है ना, सारे कष्ट को वह झेलती रहती है। तो ऐसा भी मत करना जब बेवजह अनावश्यक रूप से तुम पर कहर बरपाया जाने लगे, सितम ढाया जाने लगे, तंज कसा जाने लगे, प्रताड़ित किया जाने लगे, दंडित किया जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में तुम चुप मत रहना। तुम अपनी आवाज को भीतर ही भीतर दबाने की कोशिश मत करना, नहीं तो यही स्थिति एक दिन तुम्हें आग से जलने पर विवश कर देगी। इसलिए बेटी वस्त्र और आभूषण तो शाब्दिक भ्रमों की तरह, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है, किसके? तो स्त्री जीवन के। जैसे शाब्दिक भ्रम हो जाता है, अर्थांतर हो जाता है शब्दों में, समानार्थक अनेकार्थक शब्दों में जो भ्रम पैदा होता है, श्रुति सम भिनार्थक शब्दों में जो भ्रम होता है, ऐसी स्थिति में उसी तरह से ये भ्रम हो जाता है स्त्री के जीवन में कि मुझे तो मुंह मंगा वस्त्र मिलता है, मुझे तो मुंह मंगा आभूषण प्राप्त हुआ है ना, मेरे पास सारे आभूषण है, मेरे पास सारे वस्त्र हैं, तो अब क्या चाहिए, चलो ना कुछ कह ही लेते हैं तो क्या हुआ, चुपचाप सह जाती हूँ। तो सहने की प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि सहते सहते सहने का आदि व्यक्ति बन जाता है, और फिर तंज कसने वाले भी तंज कसने के आदि बन जाते हैं। यह स्थिति एक दिन भयावह रूप धारण कर लेती है और तंज सहने वाला अधीर हो जाता है। इसलिए बेटी अगर तुम तंज सहना शुरू कर देगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी सहने की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी और तुम आत्महत्या करने पर उतारू हो जाओगी। इसलिए वस्त्र और आभूषण का जो भ्रम होता है स्त्री जीवन में, आम स्त्रियों के जीवन में वैसा भ्रम तेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। हमेशा सावधान रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बेटी तुम लड़की हो तो लड़की बनी रहना, बेशक तुम लड़की बनी रहना,
तुम भारतीय नारी हो, भारतीय नारी के आदर्श को हर प्रकार से रक्षा करना और मर्यादाओं का पालन करना, लेकिन इतना सीधा और शालीन नहीं हो जाना, अपने को अबला नहीं समझ लेना, ये तुम्हारी भूल होगी। अपने को अबला कभी मत समझना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जब तुम पर अनावश्यक प्रताड़ना होने लगे, जब तुम्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगे, तब तुम प्रतिकार भी करना, तब तुम सही तर्क से अपनी रक्षा का भी ख्याल रखना। यहीं पर पाठ समाप्त होता है। आप लोग इसको विस्तृत रूप से फिर पढ़ेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगी प्रत्येक पंक्तियों का अर्थ, और कवि परिचय को लिखते हुए अभ्यास प्रश्न पत्र को लिखेंगे, विद्यालय खुलने पर जांच की जाएगी, मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे विशेष परिस्थिति में, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में सुविधानुसार आपकी आवश्यकतानुसार प्रस्तुत होऊंगा। अब पाठ्यक्रम जो था क्षितिज का और व्याकरण का, यह पूर्णतः समाप्त हो गया आपका यूनिट 2 के लिए। चलिए धन्यवाद।